अलवर के वार्ड नंबर 13 की महिलाओं ने पानी की समस्या व लंबे समय से समाधान ना होने से परेशान होकर शहर के बजाजा बाजार में जाम लगाकर मटके फोड़े और पेयजल समस्या के समाधान की मांग की। सूचना मिलते ही थाना पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने जाम लगा रही महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने पहले पेयजल समस्या का समाधान करने की बात कही। इस दौरान जाम लगने के कारण बजाजा बाजार के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने बताया उनके वार्ड क्षेत्र 13 में पिछले 4 महीने से पानी नहीं आ रहा है। महिलाएं पानी के लिए दर दर भटक रही हैं। कई बार जलदाय विभाग व जनप्रतिनिधि को अवगत कराया, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मजबूरनवश उन्हें जाम लगाना पड़ा। हम आपको लता जैन, आप किस लिए जाम लगाया आपने? पानी के लिए लगाया है। एक्सएन के पास, जेएन के पास, एएन के पास, सबके पास हुई है। 8-8 चक्कर लगाया है, कोई सुनता ही नहीं है। आ जा जाएगा पानी, आ जा जाएगा। 3-3 महीने हो गए पानी आए, कैसा भी पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, ना पीने का ना वैसा, कैसा भी नहीं आ रहा। कैसे काम चला रहे हैं आप लोग? टैंकर डलवा रहे हैं, 700-700 रुपए के टैंकर आ रहे हैं, कहाँ तक डलवाएं? गलियों में तो गरीब आदमी रहते हैं, पैसे वाले थोड़ी हैं कोई। पैसे वालों को तो आ रहा है पानी, हम कहाँ से डलवाएं टैंकर? रोज 700 रुपए का टैंकर आ रहा है। खबरों में वक्त